हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अगर आपको इंस्टाग्राम पे 1:1 रेशियो यानी कि स्क्वायर शेप में अगर वीडियो अपलोड करना है तो उसके लिए क्या बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग हो सकती है एडोब प्रीमियर प्रो में। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ न्यू आइटम पे, उसके बाद सीक्वेंस पे जाता हूँ। उसका शॉर्टकट भी है Ctrl+N, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिजिटल SLR वाले ऑप्शन में आना है और DSLR 1080p 30 पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेम साइज में 1920 दिया होगा, इसको डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ भी 1080 कर देंगे और ये आपका 1:1 रेशियो में बन गया। और यहाँ से टाइम बेस में फ्रेम आपको 30 FPS यूज कर लेना है। मैंने यहाँ 30 FPS यूज कर लिया है, 30 FPS वाला। उसके बाद आपको प्रीसेट की तरह सेव करना है, कर सकते हैं, नहीं तो ओके कर दीजिए। ये आपका सीक्वेंस बन गया स्क्वायर शेप में, देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स आ गया होगा मेरे में। उसके बाद हमको वीडियो इम्पोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इंपोर्ट कर लेता हूँ वीडियो। और ये मेरा वीडियो अभी इंपोर्ट हो रहा है, ये देखिए दोनों वीडियो हमारा इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं इसको टाइमलाइन में ला लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे ही टाइमलाइन लाएंगे आपको ये जो है वार्निंग आएगी, आपको कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका वीडियो हो गया। मान लीजिए मैंने ये वीडियो एडिट कर लिया है, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+M। आप Ctrl+M जैसे ही प्रेस करेंगे एक्सपोर्ट सेटिंग आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या सेटिंग करनी है, आप देखिएगा। सबसे पहले फॉर्मेट में H.264 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट नेम में आप नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टैब दिख रहे हैं नीचे, इफेक्ट, वीडियो, ऑडियो, मल्टीप्लेक्सर, कैप्शन और पब्लिश। हमको सिर्फ वीडियो और ऑडियो से मतलब है। सबसे पहले मैं इसमें ऑडियो को बता देता हूँ। तो ऑडियो फॉर्मेट में आपका ACC रहेगा। उसके बाद ऑडियो कोडेक ACC रहेगा। सैंपल रेट 48,000 Hz रहेगा। चैनल स्टूडियो रहेगा। ऑडियो क्वालिटी हाई रहेगा। बिटरेट में आपका 320 KBPS रहेगा और लास्ट में बिटरेट रहेगा, ठीक है, एडवांस सेटिंग वाले में। उसके बाद हमको वीडियो में आना है, जो सबसे मेन है। यहाँ पे आपका बेसिक वीडियो सेटिंग में आपका 1080x1080 होना चाहिए। उसके बाद फ्रेम रेट 30 FPS होना चाहिए। फील्ड ऑर्डर ये सब मत छेड़िएगा, प्रोग्रेसिव रहेगा वैसे। यहाँ रेंडर रेट मैक्सिमम रेट पे क्लिक कर देना है ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी आ सके। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी ये नीचे दिया होगा, यहाँ पे भी टिक होना चाहिए आपका। अगर अनटिक है आपका तो टिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हार्डवेयर इनकोडिंग सेटिंग करना है। उसके अलावा प्रोफाइल में आपको अनटिक करके मेन से हाई पे क्लिक करना है। इसी के साथ लेवल में भी आपको अनटिक करना है और लेवल 4.2 करना है। उसके बाद हमको और नीचे आना है। और नीचे आएंगे तो आपको बिटरेट सेटिंग दिखेगा। बिटरेट सेटिंग में आपको VBR से हटा के CBR करना है। और यहाँ पे आपको टारगेट बिटरेट में 4 से 5 के बीच में रखना है। अभी के लिए मैं 5 रख रहा हूँ। 4 MBPS से लेकर मैं 5 MBPS के बीच में कोई भी रख सकते हैं, 4 रखने या 5 रखने, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका मतलब की वीडियो क्वालिटी मतलब वही रहेगा और फाइल साइज ही बड़ा होगा और इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है, इसीलिए 5 रखिए या 4 रखिए। इससे ज्यादा रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, बस आपका वीडियो का साइज बढ़ेगा। बस ये हो गया। इसके बाद आपको सीधा एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, आपका एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही था वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।